हेलो एसेसरियंस, आज 14 जून है, हमारे चहेते कलाकार को गए हुए कितने दिन बीत गए लेकिन अभी तक जस्टिस नहीं मिला। तो आप लोग क्या सोचते हैं, इसका राज क्या है, इसके पीछे कारण क्या है? मैं तो अभी भी कहती हूँ कोई बहुत बड़ा कारण है जिसके लिए अभी तक कोई जज प्रॉपर तरीके से नहीं हुए। तो तभी मैंने बहुत सारे क्वेश्चन उठाए थे, तर्क दिया था लॉजिकली, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हुआ। तो वो सब का जवाब तो आज तक नहीं मिला। स्पेशली जो शमशान में पिताजी खड़े थे राजपूत के, तो वहाँ पे हमको देख के लगा वहाँ दो बॉडी है, एक बॉडी नहीं है। लेकिन पिताजी ने क्यों ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? और बहुत सारे हैं ऐसे बातें। परिणीति चोपड़ा की गाड़ी वहाँ पे क्यों 3 दिन खड़ी थी? हमने कितना ट्वीट किया, कितना लिखा, मोदी जी को भी रिक्वेस्ट किया, लेकिन कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि ये मामला कुछ और है। जो किया है ईडी और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने, जो भी किया है, ये सब इस केस से रिलेटेड कारण है। लेकिन असलियत में जो मर्डर हुआ है उसका क्या हुआ? उसका तो कुछ नहीं नतीजा निकला। तो यही बात है, जानते हैं कुछ सालों के बाद या कुछ और कारण होंगे जो जिसके लिए हमको नहीं बताया गया है। फिल्म इंडस्ट्री पूरा चुप है, पूरी तरह से उन लोगों ने कोई भी, मैं तो ये सोच के अभी तक सरप्राइज हूँ क्योंकि अमिताभ बच्चन जी ने कोई भी ट्वीट नहीं किया। छोटी छोटी बातों पे ट्वीट करते हैं लेकिन राजपूत को लेके कुछ भी नहीं किया। तो इसीलिए मैं कहती हूँ ये संदिग्ध है। और जो शमशान के बाहर जो माँ खड़ी थी, वो मेरा बेटा है, मुझे अंदर जाने दो, चिल्ला रहे थी, वो कौन थी? वो सुशांत खेमकर, उसकी माँ थी क्या? ये सब बातें हमारे यहाँ डाउट बन के रह गया है, हम कुछ भी नहीं कर पाए। अभी भी कहती हूँ कोई तो होगा, कोई तो शख्स होगा जिसके कहने पे ये सब बातें हुई है, ये सब दबा दिया गया है, वो कौन है? आप लोगों के मन में क्या होता है? फिर भी आज 14 जून है। मैं ये नहीं बोलूँगी सुशांत सिंह जी की आत्मा के लिए, शांति के लिए मैं प्रे कर रही हूँ, मैं सुशांत सिंह के लिए प्रे कर रही हूँ, वो शांति जहाँ भी हो शांति में रहे।